गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं पोकेबॉल्स। सो हमने ये कर लिए है कि सर्कल्स कट कर लिए टेप के साइज के, आप क्रिकेटर से भी और जितने साइज आपको चाहिए वो कर सकते हैं। अब हम इसे कर लेंगे कट। सो यहाँ पे गाइस मैं आपको टेक्टिक भी बता देता हूँ, अगर आपने ऐसा कुछ कट कर लिया होगा तो ऐसा मत कीजिए, आपको बहुत मेहनत लगने वाली है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, फोल्ड करके कट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको फोल्ड करके आपको कट कर लेना है। सो इसे आपको सब कट कर लेने हैं। आप देख सकते हैं मेरे टेबल पे इतने सब रखे हुए हैं। सो इसके बाद में आपको जो करना है वो इसे हाईलाइट करना है। इसके बाद आप सबको कुछ ऐसा सब बॉल्स को कुछ ऐसा रख लेना है, बाद में सब ऐसा करना और हाफ फोल्ड कर लेना है। इसे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, बस हल्के हाथ से ही करना है और ओपन कर लेना है पेंसिल से। अब जो आपको लाइन दिखेगी उस पर हाईलाइट करना है। ऐसे ही आपको सब बॉल्स पे करना है। इसके बाद आपको एक टू बीज का कॉइन लेना है, मैंने बी यहाँ पे लिया हुआ है। इसके बाद और सर्कल ले लेना है कुछ इस तरीके से, और आप देख सकते हैं थोड़ी सी हाईलाइट हो चुकी है। और जो मेन पार्ट रहता है वो आपको कर लेना है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ब्रश पेन, आप स्केच पेन भी ले ही सकते हो। अब इसके बाद आपको अगर चाहिए तो आप हाईलाइट कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते। मैं पे नहीं कर रहा हूँ, रेड कलर का स्केच पेन इससे निकालेंगे और इसके ऊपर के साइड पे। अब जो हमें ये करना है कि इसके ऊपर ही करने से इसके अंदर नहीं जाना चाहिए वरना खराब दिखेगा। अब मैं आपको, आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं, वाटर कलर से भी कर सकते हैं, क्रेयॉन से भी कर सकते हैं। अब आपको सब इरेज कर लेना है, बस इसके अंदर की जो लाइन है वो इरेज कर लेनी है और इसे हाईलाइट कर देता है। और ऐसे आपको बाद में हाईलाइट कर लेना है, ये अच्छा दिखेगा। अगर आपको चाहिए तो ऐसे ब्लैक बॉर्डर्स भी आप हाईलाइट मत करना। सो ये था आज का पोकेमॉन मेकिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही। तो ये था आज का पोकेमॉन मेकिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू मेक पोकेमॉन पेंसिल। बाय बाय।